अभी जो डिलिमिटेशन हुआ है ना, तो उस डिलिमिटेशन में जो मई के महीने में रिपोर्ट अनाउंस हो गया था उस डिलिमिटेशन का, उसके तहत ये इलाका जो है लक्ष्मपोरा, डोगरपोरा, वाइसा, कावनार, ज़फरखनी, ये इलाका जो है ये पहले लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ था, अब इसको हंदवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ फिर से मिलाया गया है। ये करीबन करीबन ऐसा 22 साल के बाद हुआ, बल्कि 24 साल के बाद ये इलाका हंदवारा के हार्ट में वस्त में होने के बावजूद भी इसके साथ बहुत ही मतलब जाति थी, इनको लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मिलाया गया था। ना राबता है उनके साथ, ना कुछ है उनके साथ। अब ये लोग वापस आ गए, तो इस वजह से मैं इनके पास आया था, क्योंकि 20-22 साल के बाद इनके साथ एक राबता फिर से करना था तंजीमी तौर पर, तो इससे मैं यहाँ पर आया था। और आपने देखा ये इलाका एक बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता था पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई तंजीम थी ही नहीं, इस इलाके में कोई तंजीम नहीं थी। लेकिन आज उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हमने 20-30 साल वोट दे दिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, और इलाका बिल्कुल खस्ता हाल है, कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, वही कुछ चंद सड़कें हैं जो हमने किसी वक्त मैंने ही बनाई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लिहाजा इन्होंने कहा, हमें दावत दी, आप इधर आए, हम सारे लोग यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करना चाहते हैं। और आपने खुद भी देखा, इतने सारे लोग, इतने फैमिलीज जो है इस इलाके के, ये चीदा लोग थे, आम आदमी यहाँ पर था नहीं, चीदा लोग थे। तो इन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन जो पहले बन गया था वो 1992 बना था, और उस डिलिमिटेशन कमीशन ने, जिसका हेड उस वक्त के चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस जस्टिस जलालुद्दीन करते थे, तो उन्होंने वो रिपोर्ट उस वक्त दिया 1994 में, वो रिपोर्ट आ गया। उस रिपोर्ट में इस इलाके को लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मिलाया गया था। आपको ये भी याद होगा कि 90 से लेकर 96 तक कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, खासकर कश्मीर में, यहाँ सब लोग थे आज़ादी के साथ, बंदूक उठाए थे, 1,00,000 बंदूक इस रियासत में चल रहा था, तो उस वजह से यहाँ कोई सियासत नहीं, और हम भी यहाँ पर मतलब कोई सियासत नहीं करते थे। तो ये उसी वक्त की बात है, ये 94 में इस इलाके को मिलाया गया था, उस वक्त कोई भी पॉलिटिक्स यहाँ पर थी ही नहीं, तो हमें तो इसका तो मतलब दूर का भी वास्ता नहीं है उस वक्त के डिलिमिटेशन के साथ। ये तो इनका हक बनता है कि इनके इलाके में भी उसी तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए जिस तरह राजवार के दूसरे इलाकों में डेवलपमेंट हुई। हर जगह आप देखेंगे अस्पताल हैं, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल हैं, राबता सड़कें हैं, साफ पानी है, बिजली का एश्योर्ड सिस्टम है, तो ये इन चीज़ों से बेचारे महरूम हो गए थे। अब इन्होंने भी आसपास जो ये देखा कि बाकी इलाकों में कितनी डेवलपमेंट हुई और हम कहाँ थे, इस वजह से इन्होंने भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमारे डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे जो यहाँ पर बेरोज़गार बच्चे हैं उनको भी रोज़गार यही तंजीम दे सकते हैं। इस वजह से ये जोगदर जोग हमारे पास आए और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की।